दोस्तों, फ्रिज गर्मी के सीजन का एक ऐसा साथी है जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी सी लगती है। चाहे वो ठंडा पानी फ्रिज में स्टोर करना हो या फिर सब्जी और फलों को ताजा रखना हो, गर्मी आते ही मार्केट में फ्रिज की डिमांड भी बढ़ जाती है। जहां एक समय में मार्केट में सिर्फ कुछ इस तरह के सिंगल डोर फ्रिज मिला करते थे, वहीं आज के समय में अलग अलग तरह के हाईटेक रेफ्रिजरेटर्स भी मिलते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इतने भारी भरकम फ्रिज फैक्ट्री में बनते कैसे हैं? आइए आज द मिस्टिका लैंड पर देखते हैं कि फैक्ट्री में रेफ्रिजरेटर्स को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी में हम आपको एक ऐसा फ्रिज दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। रेफ्रिजरेटर को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी बाहर की बॉडी जैसे पैनल्स और दरवाजे को बनाया जाता है। एक ऑटोमेटेड मशीन सबसे पहले बड़े ही प्रिसिशन और स्पीड से मेटल को शीट के छोटे छोटे टुकड़ों में कट करती है, जिससे रेफ्रिजरेटर का आउटर कैबिनेट बनकर तैयार हो जाता है। अब इसको वेल्डिंग या क्लच करके रेफ्रिजरेटर के बाहर के हिस्से या दरवाजे को बनाया जाता है। इसके बाद इन मेटल शीट्स पर भी ऑटोमेटेड मशीन्स की मदद से पेंट किया जाता है। पेंट होने से पहले इन मेटल शीट्स को थोड़ा हीट किया जाता है ताकि पेंट अच्छे से इस पर चिपक सके। पेंट होने के बाद रेफ्रिजरेटर्स के इन हिस्सों पर पॉलिशिंग की जाती है। अब रेफ्रिजरेटर का दरवाजा, साइड लाइनर्स, पीछे और नीचे का हिस्सा बनके तैयार है। इन सभी पार्ट्स को एक साथ फिर असेंबल किया जाता है और इस तरह रेफ्रिजरेटर के बाहर का कैबिनेट बनकर तैयार हो जाता है। और अगर कैबिनेट के अंदर यानी लाइनर्स को बनाने की बात करें तो इसे भी मेटल शीट्स या फिर प्लास्टिक से बनाया जाता है। आजकल ज्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेशन में मदद करता है। अंदर के कैबिनेट के भी पार्ट्स को कंप्यूटर कंट्रोल मशीन की मदद से तैयार किया जाता है और फिर वर्कर्स लाइनर्स को मशीन की मदद से शेप देते हैं और उसे असेंबल कर देते हैं। अब फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स कैबिनेट के अंदर के हिस्से को कैबिनेट के बाहर के हिस्से में कुछ इस तरह डाल देते हैं। साथ ही इसमें इंसुलेशन पदार्थ डाला जाता है जो कि फोम जैसा होता है। यही इंसुलेशन रेफ्रिजरेटर के अंदर की ठंडक को बाहर जाने से रोकता है और साथ ही ट्रिम को भी कुछ इस तरह वर्कर्स इंस्टॉल कर देते हैं। अब बात करते हैं कूलिंग सिस्टम की। अगले प्रोसेस में कूलिंग सिस्टम को रेफ्रिजरेटर में लगाया जाता है। इसमें कॉपर की कॉइल, कंप्रेसर्स शामिल होते हैं। यही कंप्रेसर गैस को ठंडा करके फ्रिज में पहुंचाता है। इसी से फ्रिज ठंडा होता है। इसके बारे में विस्तार से हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। फ्रिज के दरवाजे पर रबर के गैस किट को लगाया जाता है। इससे होता यह है कि अंदर की गैस बाहर लीक नहीं होती। अब फ्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब इसे टेस्ट के लिए क्वालिटी कंट्रोल टीम के पास भेजा जाता है, जहां पर फ्रिज को पूरी तरह से चेक किया जाता है। जब यह टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर इसके एक्सेसरीज और मैनुअल किट को डाला जाता है और उस पर लेबलिंग की जाती है। अब यह पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे अच्छे से प्लास्टिक, थर्मोकोल और कार्डबोर्ड की मदद से पैक किया जाता है, क्योंकि इस स्टेज में हुई एक छोटी सी गलती भी फ्रिज को नुकसान पहुंचा सकती है। अब यह पैक्ड फ्रिज फैक्ट्री से बाहर मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने ये तो देख लिया कि फैक्ट्री में रेफ्रिजरेटर बनता कैसे है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह काम कैसे करता है? सिंपल भाषा में समझें तो रेफ्रिजरेटर में गैस का एक कंप्रेसर होता है जिसमें एक पाइप के जरिए कम तापमान और कम दबाव पर गैस को खींचा जाता है। फिर करंट का इस्तेमाल करके इस गैस को दूसरे कंडेंसर में इकट्ठा किया जाता है। ज्यादा प्रेशर के चलते यह गैस लिक्विड में तब्दील हो जाती है। अब इस गैस को एक पंखे की मदद से फ्रिज में फैलाया जाता है, जिसकी वजह से फ्रिज में रखी गई हर एक चीज ठंडी हो पाती है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि बिना बिजली फ्रिज का चलना नामुमकिन है, लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां बिजली की कमी और महंगी बिजली के चलते हर घर में फ्रिज की सुविधा नहीं है। ऐसे में गर्मियों में पानी को ठंडे रखने का पुराना मिट्टी के मटके का नुस्खा तो काम आ जाता है, लेकिन फल सब्जियों को ताजा रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गुजरात के एक बिजनेसमैन ने एक आविष्कार किया है देसी तरीके से बने इस फ्रिज का, यानी मिट्टी से बने फ्रिज का। आइए इसके बारे में और जानते हैं। ये मिट्टी से बना मिनी फ्रिज पानी को तो ठंडा करता ही है, बल्कि फल और सब्जियों को भी लंबे समय तक ताजा रखता है। पूरे तरीके से हाथ से बनाए गए इस फ्रिज को मिट्टी से बनाने के बाद 5 से 6 दिनों तक सुखाया जाता है। इसके अंदर दरअसल छेद मौजूद है
जिसकी वजह से बिना बिजली के कूलिंग हो पाती है। ये एकदम ही बेसिक एवेपोरेशन के मॉडल पर आधारित है। इस मिनी फ्रिज में लगभग ऊपर 5 लीटर पानी इकट्ठा करने की जगह बनाई गई है। यहाँ से पानी फ्रिज के वाल्व्स तक पहुंच जाता है और फ्रिज के अंदर की गर्मी को खत्म कर फ्रिज को ठंडा करता है। ये मटका और फ्रिज दोनों का ही काम करता है। देखिए कैसे ऊपर की ओर इस फ्रिज में नल लगाया गया है, जिसकी वजह से ठंडा पानी पिया जा सकता है। दो कंपार्टमेंट्स में बटे इस फ्रिज में रखी चीजें 3 से 4 दिनों तक ताजा रहती हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस नेचुरल कूलिंग के तरीके से चीजों का स्वाद भी बना रहता है। और तो और, इसकी कीमत भी मार्केट में बिकने वाले इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज की तुलना में बेहद कम है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है? क्या आप अपने घर के लिए ये मिनी मिट्टी का बना बेहद ही क्यूट फ्रिज लाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल एंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।